दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे आपकी स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ने अपना एक रिक्रूटमेंट निकाला है। तो ये जो बेसिकली है आपका डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के अंतर्गत आता है आपका, और ये गोवा जी पणजी में आता है, इसके अंतर्गत आता है, गोवा की ये जॉब है। तो यहाँ पे आपकी जो ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत यहाँ पे आपकी जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस द्वारा। तो यहाँ पे आपकी जो भर्तियाँ हैं दोस्तों, एक तो प्योन की भर्ती है जिसमें केवल एक वैकेंसी है, और शुरुआत में इसमें आपको जो प्योन में मिलेगी आपको सैलरी 10,000 रुपये आपको मिलेगी। आपको दोस्तों कोंकणी इसमें ज़रूर आती हो, लैंग्वेज जो होती है वहाँ की, बोली जो होती है कोंकणी आती हो, ठीक है, आपको मराठी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो यहाँ पे जो अगर आप प्योन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका इंटरव्यू आपका रखा गया है 21 सितंबर इसका डेट रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जब 21 सितंबर में आप जाओगे, सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच आपका रजिस्ट्रेशन टाइमिंग रहेगा, ठीक है। सुबह 10 बजे से आपका 10:30 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन टाइम रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो होगा सुबह 11 बजे, ठीक है, 11 AM पर आपका इंटरव्यू होगा। वहीं आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है आपका, ठीक है, उसकी 4 वैकेंसी है जिसमें कि आपको 6,700 रुपये आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको कोंकणी लैंग्वेज इसमें भी आती हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका भी रजिस्ट्रेशन टाइम जो रखा गया है आपका सुबह 10 बजे से लेकर या 10:30 बजे के बीच में रखा गया है, पर लेकिन आपका जो डेट रखी गई है वो 22 सितंबर रखी गई है। ध्यान रखिए, प्योन का तो 21 सितंबर है और जो सपोर्टिंग स्टाफ का है वो 22 सितंबर है, ठीक है। तो वेन्यू एड्रेस वही है आपका DHS कैबिन इंटरव्यू, 11 बजे आपका ये एड्रेस रहेगा, यही वेन्यू एड्रेस है। तो DHS यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस है आपका गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं और इस जॉब को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, गोवा वालों के लिए। तो वैकेंसी कम है दोस्तों, बस फ्री का ये फॉर्म है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सीधे आके इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और यहाँ पे जो अभी जो सैलरी है कॉन्सोलिडेटेड रखी गई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखी है केवल 1 साल के लिए, और ये आपका बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, बढ़ाया भी जा सकता है। और कई बार ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो होती है परमानेंट भी बन जाती है, तो आपका फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।